जय श्री कृष्णा दोस्तों। सुख शांति और खुशियाँ ये तभी वास करती है जब लड़ाई झगड़े ना हो। जिस घर में क्लेश होते रहते हैं वहाँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। लेकिन क्लेश होने का कारण क्या है, क्या आपने कभी सोचा है? पति पत्नी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होते हैं। जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है तो दोनों जन्म जन्म के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं। दोनों के बीच का अटूट प्रेम उन्हें जीवन भर एक दूसरे से बांधे रखता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होने लगता है। दोनों के बीच असामान्य रूप से लड़ाइयाँ होने लगती हैं, जिससे उनका सुंदर सा रिश्ता भी कड़वा हो जाता है। किंतु दोनों के बीच क्लेश से दोनों में से ही कोई खुश नहीं रहता, और इसी क्लेश के कारण धीरे धीरे संबंध भी टूटने लगते हैं। लेकिन यदि आप गौर करें उन बातों पर जिस पर आप झगड़ रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जिन बातों के लिए आप झगड़ रहे हैं उनमें से अधिकतर के तो कोई कारण ही नहीं है, अपितु वहाँ ऐसी कोई वजह ही नहीं है जिस पर आप झगड़ रहे हैं। किंतु फिर भी झगड़े का कारण क्या है? झगड़े का कारण है आप दोनों का ईगो। आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आप दोनों ही एक दूसरे से खुद को कम नहीं समझते। एक कुछ बोल देता है तो दूसरे का ईगो तुरंत हर्ट हो जाता है, और फिर दूसरा कैसे चुप रहे वो भी शुरू हो जाता है। तो आप क्या करें? आप दोनों एक दूसरे के जन्मों के साथी हैं, इसलिए परमात्मा ने आपको मिलाया। अपने रिश्ते को प्रेम से रखना ये भी आप दोनों की ही जिम्मेदारी है। इसलिए जब भी पहला किसी बात पर नाराज हो रहा हो, चाहे उसमें आपकी गलती हो या ना हो, आप अपने ईगो को साइड में रखकर मौन रहे। याद रखें कि महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देने से पहले उनकी सारी बातें एक अच्छे श्रोता बनकर सुना था। अर्जुन की पूरी बातें सुनने के पश्चात ही श्री कृष्ण ने उनकी सभी समस्याओं को समझकर उन्हें गीता उपदेश दिया था। आप भी उनकी ही तरह एक अच्छे श्रोता बने, अपने साथी की पूरी बातों को सुने। जब वे शांत हो जाए तब आप उनसे इस विषय पर चर्चा करें। यदि आपकी गलती है तो आप उन्हें समझाते हुए उनसे माफ़ी मांग लें। आप पाएंगे कि उन्होंने आपको बड़ी ही आसानी से माफ़ कर दिया। यदि आपकी गलती ना भी हो तब भी आप उन्हें शांत होने दें, और उसके बाद उनसे बातें करें। तब वो आपको भी समझेंगे और यह भी मानेंगे कि यहाँ आपकी कोई गलती थी ही नहीं। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि मैं ही हमेशा क्यों चुप रहूं? यह आप दोनों का रिश्ता है, और इसे संभालना भी स्वयं आप दोनों की ही जिम्मेदारी है। आपका साथी भी नहीं चाहेगा कि आप दोनों का संबंध खराब हो, इसलिए जब आप उन्हें यह बात समझाएंगे या वीडियो न दिखाएंगे तो वो भी इस बात को ज़रूर समझेंगे। क्लेश होने का दूसरा प्रमुख कारण है कि हम दूसरों की बातों में आकर बिना जांच पड़ताल किए अपने साथी से झगड़ने लगते हैं। इसलिए किसी भी बात पर पहले जांच पड़ताल कर लें। यदि आपके साथी की गलती है तब भी उन्हें प्रेम से पूछें, उन्हें प्रेम से समझाने का प्रयास करें। इससे आप दोनों के बीच का प्रेम और बढ़ जाएगा और आपका संबंध अटूट हो जाएगा।